हेलो एंड वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस के रूप में, यानी कि एसएससी सीएचएसएल के सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि हम आपको जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और स्टैटिक पार्ट जो हमारे तरफ से है। मैं थोड़ा सा इन सब के बारे में बात कर लूँ तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं हिस्ट्री की अगर बात करूँ तो हिस्ट्री से हर साल आप जानते हैं या फिर आपने क्वेश्चन पेपर को देखा होगा, हमने भी एनालाइज किया है, हर साल हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्मली 4 क्वेश्चन भी हो जाता है। क्योंकि हिस्ट्री के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ से 3 सेगमेंट होते हैं, जैसे कि एंशियंट यानी प्राचीन भारत, मेडिएवल यानी कि मध्यकालीन भारत और मॉडर्न यानी कि आधुनिक भारत। तीनों ही सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा कोई पैटर्न फिक्स नहीं है कि किस सेगमेंट से कब कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन अमूमन तीनों सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे हुए देखे जाए हैं। क्वेश्चन के अगर लेवल की बात करें तो कभी कभी कोई क्वेश्चन डीप में चला जाता है, खास करके जब वो क्वेश्चन कल्चर से रिलेटेड होते हैं, तो बाकी क्वेश्चन सतही तौर पर यानी कि ऊपरी तौर पर पूछे जाते हैं। तो इतिहास में ये 3 एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न से 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे पढ़ाने का जो पैटर्न होगा, हम बिल्कुल तरीके से पढ़ाएंगे, यानी कि हर सेगमेंट को टच करते हुए चलेंगे और थोड़ा सा अंदर जाते हुए हम आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा कि अगर कभी क्वेश्चन थोड़ा सा अंदर भी जाए, फिर भी आप यानी कि थोड़ा सा डीप भी जाए, फिर भी आप उस क्वेश्चन को करने के हालात में रहेंगे इन तीनों ही पार्ट से, यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी को भी आप जानते हैं कि 2 भागों में बांटते हैं हम, पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, 2 भागों में बांटते हैं हम। यहां से भी क्वेश्चन सतही तौर पर आया है, लेकिन यहां से क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कुछ ऐसा है कि स्टैटिक ज्यादा है। स्टैटिक का मतलब लेक पूछ लिया गया है, या फिर आपसे अभ्यारण्य जिसको बोलते हैं सेंचुरी वो पूछ लिया गया है, या फिर नेशनल पार्क पूछ लिया गया है, या फिर कोई रिसेंट डेवलपमेंट जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है वो पूछ लिया गया है। हाँ, जो कोर ज्योग्राफी है जिसको कॉन्सेप्चुअल बोलते हैं, जैसे हिमालय की बात हुआ, या फिर जैसे आइलैंड्स की बात हो गई, या पेनिनसुलर इंडिया की बात हो गई, मिट्टी की बात हो गई, जलवायु की बात हो गई, वर्षा की बात हो गया, या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम बात करें तो वहां पर ओशियन की अगर बात हुआ, तो यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि क्वेश्चन कभी कभी आपको कोर ज्योग्राफी से मिल जाते हैं और कभी कभी आपके स्टैटिक पार्ट से मिल जाते हैं। तो पढ़ने के लिए हमें दोनों चीजें पढ़नी होगी, यानी कि कोर ज्योग्राफी जो ज्योग्राफी का एक पैटर्न होता है, कॉन्सेप्ट होता है बेसिक तरीके से, उसको भी पढ़ना होगा, और दूसरा इसके स्टैटिक पार्ट को भी पढ़ना होगा। तो जो स्टैटिक और मिसलेनियस पार्ट जो कहते हैं वो उसमें मैक्सिमम आपको यहां से कवर हो जाएगा, मैक्सिमम यहां से कवर हम करने की कोशिश करेंगे, यानी कि स्टैटिक के बहुत सारे पॉइंट ज्योग्राफी से कवर हो जाएंगे, स्टैटिक के बहुत सारे पॉइंट हिस्ट्री से भी कवर होंगे। कैसे? क्योंकि टेम्पल्स पूछ लेते हैं, कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई स्थान पूछ लेते हैं जो ऐतिहासिक रूप से बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो वैसे स्थिति में आपके इतिहास से भी स्टैटिक पार्ट को कवर किया जा सकता है, कवर किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम सब्जेक्ट भी करते चल रहे हैं और स्टैटिक को भी साथ में समाहित करते हुए चल रहे हैं। ठीक, उसी तरीके से पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटी से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अमूमन 2-3 क्वेश्चन यहां से भी होते हैं, अमूमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपॉइंटमेंट्स के ऊपर में, कोई नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, राष्ट्रपति या क्या बोलते हैं जो उनके शक्तियां हैं, वहां से क्वेश्चन एकाध जरूर रहते हैं एग्जामिनेशन में, जो थोड़ा कंसेप्चुअल बेस होता है, जो पढ़ने के लिए होता है, और संविधान के निर्माण, प्रस्तावना, यहां से क्वेश्चन अब फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संवैधानिक जो संशोधन हुए हैं जो 105 तक अभी हो चुका है, वहां से भी क्वेश्चन रहे। तो मिला जुला करके पॉलिटी को आपको पूरा पढ़ना होगा, और जिस तरीके से हम बातें कर रहे हैं कि हर सब्जेक्ट को आपको पूरा पूरा पढ़ना होगा थोड़ा थोड़ा अंदर चलते हुए, इसलिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए वो छूटे नहीं, और स्टैटिक तो बिल्कुल नहीं छूटे, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक्स पार्ट होंगे सबको हम करते हुए चलेंगे, जिससे स्टैटिक हमारा होते हुए चला जाएगा। अच्छा, आपके मन में ये हो रहा है कि सर स्टैटिक अगर इसके साथ चलेंगे तो स्टैटिक अलग से क्लास, तो स्टैटिक जो बच जाएगा उसका हम लोग अलग से क्लास रखेंगे, बिल्कुल अलग से, जिसमें हम मिसलेनियस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें डांस फॉर्म हो गया, या जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके बजाने वाले हैं वो होते हैं, या कोई प्लेयर होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, या फिर हम उसके बारे में
मिसलेनियस के बारे में हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। अगर हम यहाँ पे हर चीज को गिनती कराऊं तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे सेशन को थोड़ा कंक्लूड करना है। एक चीज छूट रहा है हमारा, इकोनॉमी। मैं इको की बात करूं यानी इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी बिना करंट अफेयर्स के अधूरा रहता है, ये बात आप जानते हैं। तो मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स लिख देता हूँ, करंट। इकोनॉमी बिना करंट के अधूरा रहता है, इस बात को आपको पता है। तो जब इकोनॉमी को करंट से जोड़ लेते हैं तो चार पांच क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन अगर करंट को बिल्कुल करंट अफेयर्स की तरह ही रहने देते हैं तो इकोनॉमी से भी दो से तीन क्वेश्चन हमेशा पूछते जा रहे हैं, जो कि कोर इकोनॉमी का, जिसमें प्लानिंग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नीति आयोग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी का चैप्टर, वहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मार्केट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बेरोजगारी और गरीबी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और कुछ पुराने डेटा से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, समिति कमिटीज जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कमिटी है उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इकोनॉमी को भी हम उसी तरीके से देखेंगे, एक तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और जो भी चीजें उसमें आएगा हम उसको करते हुए चलेंगे। हाँ, करंट अफेयर्स पे आप कितना ध्यान देते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे सर हैं जो करंट अफेयर्स में आपके साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन आप अपने स्तर से अगर करंट अफेयर्स को करते रहते हो, यहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं अकेला करंट अफेयर्स से, और इसको करना जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर करंट अफेयर्स आपका बिल्कुल तैयार है तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी ये चारों को मिला करके कम से कम 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, यानी कि 12 से 14 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ से, और करंट अफेयर्स 10 यानी कि 24-25 क्वेश्चन हो गए, साइंस के 2-3 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ से अगर आप करंट अफेयर्स और इन चारों सब्जेक्ट को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन करने के स्थिति में रहेंगे, और 17 से 18 क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत अच्छा जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि बाकी जो आपके 100 क्वेश्चन है उसमें से 25 जो आपके जीएस या जीए का क्वेश्चन होता है उसको आप 5 से 7 मिनट में कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आप दूसरे सेगमेंट के ऊपर बात करते हैं। तो इसको करना बड़ा आसान है अगर आप जानते हैं तो, और 17 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आप एक स्टैंडर्ड स्टूडेंट हैं, जहां कंफर्ट जोन में आप पहुंच जाएंगे अगर कैलकुलेट किया जाए आपके स्कोर को। तो यहां पे मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमी के बारे में चर्चा किया, किस तरीके से हम आपको बात करेंगे भी बताया, कि मैं थोड़ा सा डीप जाते हुए यानी थोड़ी सी गहराई जाते हुए अपने सिलेबस को आगे लेकर के चलूंगा। करंट अफेयर्स आपके जिम्मे छोड़ा है और सर आपको पढ़ाएंगे, और स्टैटिक पार्ट जिसको मिसलेनियस पार्ट भी बोलते हैं, इसके करते हुए यानी कि सब्जेक्ट के साथ करते हुए हम अलग से इसके ऊपर में वीडियो भी बनाएंगे, अलग से इसके ऊपर में क्लास भी लेंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा पैटर्न है, ये हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम है, इसी के साथ हम आपके चलेंगे, इसी प्रोग्राम के ध्यान में रखते हुए हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी हम इसको कंक्लूड करते हैं इस सेशन को। थैंक यू वेरी मच।